क्लास हमने मैथ के अपनी एक्सरसाइज का आज करना है 10th and 11th sum. 10th sum क्या है, वृंदा बॉट अ कार फॉर रुपीज़, ठीक है। वृंदा ने एक कार खरीदी इतने रुपीज़ की, एक फ्रिज खरीदी ठीक है इतने रुपीज़ का, और एक टीवी खरीदा ठीक है। शी सोल्ड ऑफ आर ओल्ड कार, जो उसकी पुरानी कार थी वो इतने में बेची ठीक है, ओल्ड फ्रिज को इतने में बेचा और ओल्ड टीवी को भी बेच दिया। व्हाट वाज द एडिशनल मनी शी हैड टू स्पेंड, और उसे कितनी एडिशनल मनी चाहिए, मतलब कि उसने एक कार ले ली, न्यू कार, न्यू फ्रिज, न्यू टीवी लेना, उससे पहले उसने अपनी पुरानी कार, फ्रिज और टीवी को बेच दिया, और उसे कितनी और मनी चाहिए ताकि वो न्यू चीज़ें ले सके, आपने वो बताना। सबसे पहले जो भी आपकी ओल्ड कार की, सॉरी न्यू कार की, न्यू फ्रिज की और न्यू टीवी की कॉस्ट है ना, उन सभी को ऐड कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी मनी उसे चाहिए ताकि वो न्यू थिंग्स को खरीद सके ठीक है। उसके बाद जितनी भी आपके पास ओल्ड चीज़ें हैं, ओल्ड कार, ओल्ड फ्रिज और ओल्ड टीवी, उसकी जो भी मनी है उसको काउंट कर लो ठीक है, सभी को प्लस कर लो कि जितने में उसने बेचा है सारा सामान ठीक है। तो एडिशनल मनी आप कैसे निकालोगे, दोनों को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जितनी मनी आपको न्यू थिंग्स के लिए चाहिए माइनस जितनी आपने ओल्ड चीज़ों को बेच के प्राप्त करी है ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, कौन सा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द सम, सम का मीनिंग क्या होता है प्लस, इन दोनों नंबर्स के प्लस में से कौन सा नंबर आप क्या करोगे माइनस करोगे ताकि आपका आंसर ये आ जाए ठीक है। सम लिखा, हम सबसे पहले इन दोनों का सम ही कर लेते हैं, प्लस कर लिया ठीक है। तो हमने ये देखना है कि कौन से नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा आंसर ये वाला आ जाए। तो जो भी इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर आ गया उसमें से अगर आप ये वाला माइनस करोगे तो वो नंबर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आपके पास वो बोल रहे हैं कि 2 और 3 को प्लस करने के बाद ठीक है, जो भी नंबर आ रहा है उसमें से आप कितने को सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपके पास आंसर 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो वही आपका आंसर है।